हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में पहले तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और फिर मैट्रिक्स के बाकी जो बचे हुए थ्योरी पार्ट्स हैं उनको कंटिन्यू करते हुए आगे जो है वो मैट्रिक्स में बढ़ेंगे। पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दैट इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू प्रूव दैट ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस टू आई इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है मुझे। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है जीरो, मतलब यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि ये सारा का सारा मैट्रिक्स की बात कर रहा है, नंबर पे बात हम करते नहीं है, ठीक है ना। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो है वो रियल नंबर या तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, बट खुद जो मैट्रिक्स है वो नंबर नहीं है, वो एक तरीके से नंबर्स का अरेंजमेंट को हम रेक्टेंगल फॉर्म में लिखने का एक तरीका है, ठीक। तो यहाँ पे मुझे ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन होते हैं उनको हम मैट्रिक्स इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स इक्वेशन। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें हम उस मैट्रिक्स को पुट कर दें और उसको सेटिस्फाई कर दें, तो उस टाइप का जो इक्वेशन होता है उसको हम, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टू। ये जो है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसमें यदि मैं मैट्रिक्स ए पुट कर देता हूं तो इस तरीके से हमारे पास एक्स की जगह ए लिखेंगे तो ऐसा कुछ जो है वो हमें दिखने को मिलेगा। और मैट्रिक्स पुट किया है तो जहां पे एक्स नहीं है वहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझेंगे हम उसको, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखा है उसको हम मैट्रिक्स इक्वेशन कहेंगे। और क्योंकि एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो रहा है, इस इक्वेशन में ए पुट करने से इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, तो इसीलिए हम जो है वो इस जो फंक्शन है ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस टू आई में इस मैट्रिक्स ए को जो है वो हम क्या कहेंगे, रूट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वेशन कह सकते हैं, समझ रहे हैं बात। तो यहां पे ये मुझे प्रूफ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, ए क्यूब निकालना होगा। लेकिन ए क्यूब डायरेक्टली तो आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि ए क्यूब निकालने के लिए हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। और पहले क्लासेस के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पावर ऑफ ए लाइक ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू दी पावर 100 हम तभी निकाल सकते हैं जब वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो इसलिए क्वेश्चन में यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दे रखा है। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये मैट्रिक्स ए है। और इसी को दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि हमें ए इंटू ए करना है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन रो कॉलम वाइज होता है, तो पहला रो पहले कॉलम के साथ होगा, यहां लिखेंगे हम। सो 1 × 1 1 + 0 + 4 एंड 1 + 4 = 5। तो यहाँ 5 आ जाएगा। उसी तरीके से बाकी जो है फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 × 0 = 0 + 0 × 2 = 0 + 2 × 0 = 0, सारा जीरो हो रहा है। तो 0 + 0 + 0 = 0। फिर से फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 × 2 = 2 + 0 + 6 एंड 2 + 0 + 6 = 8। सिमिलरली अब बाकी का भी हम करना स्टार्ट करते हैं। तो 0 + 0 + 2 तो यहाँ 2 आएगा। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 0 × 0 = 0 + 4 + 0, तो दैट इज 4, 0 + 2 + 3 एंड दैट इज 5, 2 + 0 + 6 दैट इज 8, 2 × 0 = 0 + 0 दैट इज 0, 2 × 2 = 4 + 0 + 9 दैट इज 13, दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर निकाल लिया हम लोगों ने। जब ए स्क्वायर फाइंड आउट हो जाए तो हमको फिर ए क्यूब भी निकालना है। इसमें दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, ए स्क्वायर भी और ए क्यूब भी। ए स्क्वायर हमारा फाइंड आउट हो चुका है, ए क्यूब निकाल लेते हैं। और ए क्यूब का मतलब होता है ए स्क्वायर इंटू ए या ए इंटू ए स्क्वायर भी आप उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। तो ए स्क्वायर तो हमारा है 508, 245,
8013 इसको ए मैट्रिक्स दैट इज 102 102 021 एंड द लास्ट रो इज 203 203। इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है तो ए क्यूब निकल जाएगा। कैलकुलेशन जो है वो मैक्सिमम कैलकुलेशन मैट्रिक्स में शुरुआत में तो आप रो कॉलम वाइज जो है वो अच्छे तरीके से करिए जिससे कि गलती ना हो, और धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाने के बाद जो है उसको हम थोड़ा तेजी से भी कर सकते हैं, जिससे क्योंकि एग्जाम के अंदर जो है वो टाइम लिमिटेशन भी होता है, उसी टाइम लिमिटेशन के अंदर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो ज़्यादा हमें टाइम उसमें ना ही खर्च करना पड़े, तो वो हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा। 5 × 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले रो का पहले कॉलम के साथ होगा, तो 5 + 0 + 16 एंड 5 + 16 = 21 आएगा यहाँ पे। सिमिलरली आप करते जाइए, 0 + 0 + 0 यहाँ 0 आएगा, फिर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 + 0 + 24 सो दैट इज 24 + 10 होता है 34। 5 × 2 = 10 प्लस 0 × 1 = 0 + 24 8 × 3 = 24 तो 10 + 24 आ जाएगा यहाँ पे 34 आ जाएगा। फिर सेकंड में करेंगे तो 2 + 0 + 10 2 + 10 = 12 0 + 8 + 0 तो 8 आ गया यहाँ। सिमिलरली 4 + 4 = 8 + 15 8 + 15 = 23 सिमिलरली करते हैं 8 + 0 + 26 एंड 26 + 8 = 34 8 × 0 = 0 + 0 0 आएगा यहाँ पे, और फिर आएगा 16 + 0 + 39 13 × 3 = 39 16 + 39 आ रहा है एंड दैट इज 55 8 × 2 = 16 + 0 × 1 = 0 + 13 × 3 = 39 39 + 16 करेंगे तो आएगा हमारे पास 55। ये एक मैट्रिक्स जो है वो ए क्यूब मैट्रिक्स आ गया, ये मैट्रिक्स आ गया ए स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जीरो है, ये प्रूफ करना है, सॉरी ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे हम, इसकी जगह पे सारा का सारा जो है वो कैलकुलेशन हमें करना होगा, तो देखते हैं आगे। तो अभी फिलहाल के लिए ये तो हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकल गया और ये हमारा ए क्यूब मैट्रिक्स निकल गया, बाकी जो है वो मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, जो प्रूफ करना है वो रख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं मुझे क्या निकालना है। वी हैव टू प्रूव दैट ए क्यूब, नाउ वी स्टार्ट विद दिस, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a + 2i इक्वल टू 0 एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट, ये प्रूफ करना है तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, मतलब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो ए क्यूब जो है वो कितना है हमारे पास, 21 0 34 12 8 23 34 0 55 - 6 × a² निकाल करके रखा हुआ है हमने 5 0 8 2 4 5 8 0 13 एंड प्लस 7 × a मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स मैंने हटा दिया है एक बार, वो ए मैट्रिक्स कितना था वो बता रहा हूँ, 102 102 021 एंड 203 ये ए मैट्रिक्स हो गया, प्लस 2 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह 100 010 001 ये मैट्रिक्स ले लिया। ये जो प्रॉब्लम है वो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ प्रॉब्लम है, आप लोग जो एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो उसमें 3.2 एक्सरसाइज में ये प्रॉब्लम जो है वो गिवन है, देख सकते हो आप। तो इस तरीके से हम लोग सारा का सारा जो है वो लिख लिया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं और इसको जो है वो मुझे दिखाना है कि ये जीरो मैट्रिक्स हो जाना चाहिए। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, सिंपल 21 0 34 12 8 23 34 0 55
और यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 6 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बताया था मैंने कि ये जो नंबर है वो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 30, 0, 48, 12, 24, 6 into 4, 6 into 5 is 30, 6 into 8 is again 48, 6 into 0 is 0, and 13 into 6 is 78. ये हो गया, इधर से हम इसको लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा फिर से स्केलर मल्टीप्लीकेशन है 7 का इसके साथ, तो 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस इधर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर इस स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो हर एक एलिमेंट में होगा, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2 ऐसा कुछ आने वाला है. ठीक, अब आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन इन दोनों का कर लीजिए और इधर एडिशन कर लीजिए. ठीक, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 30 एलिमेंट वाइज हम करते हैं, एक जल्दी बता दे रहा हूँ, 21 माइनस 30 करने से -9 आने वाला है. ठीक है, तो इट इज -9, 0 माइनस 0 दैट इज 0, 34 माइनस 48 एंड दैट इज -14 आने वाला है यहाँ, 12 माइनस 12 दैट इज 0, 8 माइनस 24 दैट इज -16, 23 माइनस 30 दैट इज -7, 34 माइनस 48 दैट इज -14, 0 माइनस 0 दैट इज 0, 55 माइनस 78 एंड दैट इज इक्वल टू 23 विथ माइनस साइन, 55 माइनस 78 यू कैन सब्सट्रैक्ट इट, जितना जल्दी कर सकते हैं कैलकुलेशन उतना बेहतर है. इधर करेंगे इन दोनों को ऐड, 7 प्लस 2 इज 9, 0 प्लस 0 इज 0, 14 प्लस 0 इज 14, 0 प्लस 0 इज 0, 14 प्लस 2 इज 16, 7 प्लस 0 इज 7, 14 इस तरीके से करेंगे तो 14 आएगा, 0 प्लस 0 इज 0, 21 प्लस 2 इज 23. इसको कर लेते हैं, अब देखते हैं माइनस करना स्टार्ट करते हैं, एडिशन करेंगे इन दोनों को मैट्रिक्स को, तो -9 प्लस 9 दैट इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, -14 प्लस 14 दैट इज अगेन 0, 0 प्लस 0 0, -16 प्लस 16 दैट इज ऑल्सो 0, -7 प्लस 7 दैट इज ऑल्सो 0, सारा 0 हो जाना चाहिए, -14 0 नहीं है, यदि नहीं आ रहा है कहीं पे इसका मतलब ऊपर कहीं पे हमने कैलकुलेशन में जो है वो मिस्टेक किया है, 0 0 0, सो दैट इज कॉल्ड 0 मैट्रिक्स. ये थोड़ा सा बड़ा रहता है यहाँ पे, है ना, 0 मैट्रिक्स रहेगा प्रूफ करने के लिए. ठीक है ना, हमेशा ओ के साइन सिंबल आपको दिखेगा वहां पे. ठीक है ना, कभी भी इस तरीके से यदि प्रूफ करना हो तो हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम हम जो है वो देख सकते हैं, इसको आप जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो हम देखते हैं क्या दिया हुआ है. एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0, एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. प्रूव दैट और सो दैट आई प्लस ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस तरीके से मुझे प्रूफ करना है. ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यदि मैं राइट हैंड साइड से लेकर के चलता हूं तो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि कॉस अल्फा को मैं टेन अल्फा बाय टू के टर्म्स में बहुत इजीली जो है वो फॉर्मूले यूज करके लिख सकता हूं. सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का जो है वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से यहाँ पे जो लगने वाले हैं वो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ. कॉस अल्फा का जो है वो सब मल्टीपल एंगल्स मतलब हाफ एंगल्स के जो है उस फॉर्म में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2. एंड साइन अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 10 अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2. ये दोनों फॉर्मूले इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे और तभी हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. कौन कौन से फॉर्मूले बता रहा हूँ, कॉस अल्फा और साइन अल्फा का जो फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है. नेक्स्ट देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम इसका जो राइट हैंड साइड है RHS वहां से स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो कि ज्यादा इजी और बेटर होगा.
तो आई माइनस ए टाइम्स क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस तरीके से हमें दे रखा है इसका राइट हैंड साइड। तो ऑब्वियस सी बात है आई जो मैट्रिक्स है ना, आई जो मैट्रिक्स है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कि टू ऑर्डर का है। तो टू ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है 1 0 0 1, ओके, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 ऑर्डर या ऑर्डर 2, है ना, सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, ओके। तो यहां पे i माइनस ए कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपल सी बात है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 1 i में से a को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 तो 1 आएगा, 0 माइनस दिस नंबर दैट इज माइनस टेन अल्फा बाई 2 एंड दैट इज बिकम प्लस टेन अल्फा बाई 2, फिर आ जाएगा आपके पास 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 दैट इज माइनस टेन अल्फा बाई 2 और फिर आएगा 1 माइनस 0 तो यहां 1 आ जाएगा, दैट इज आई माइनस ए। आप अलग से निकाल करके देख सकते हैं। और ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये हम इसको फॉर्मूले में लिखेंगे, क्योंकि आप ध्यान से देखें तो आई प्लस ए मैट्रिक्स जो आएगा वो भी टेन अल्फा बाई 2 में होना चाहिए। तो इधर जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है वो तो कॉस और साइन में दे रखा है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये भी जो है उसको हम लिख सकते हो टेन अल्फा बाई 2 के टर्म्स में। तो ये कितना हो जाएगा, अभी बताया था 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, लिख सकते हैं कॉस अल्फा को, और माइनस साइन अल्फा हो जाएगा माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। उसी तरीके से साइन अल्फा को भी मैं लिख लूंगा 2 tan अल्फा बाई 2, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और फिर कॉस अल्फा को भी लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, और आप ध्यान से देखोगे तो मल्टीप्लाई करना जो है वो आपको इतना आसान दिख नहीं रहा है, क्योंकि टेन अल्फा बाई 2 बहुत बार बार जो है वो जब हम बार बार लिखेंगे ना तो प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे गलती हो सकती है उसके अंदर। तो हम इसको छोटा करने के लिए टेन अल्फा बाई 2 को टी लेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सो लेट फॉर सम, फिर बाद में उस टी को फिर टेन अल्फा बाई 2 लिख देंगे। ये जो है वो एक सिम्बॉलिक फॉर्म जो है वो मैथमेटिक्स में हमेशा से बड़े प्रॉब्लम जहाँ पे बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन हो उसको छोटा लिखने के लिए हम करते आए हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो यहां से हम क्या लिख लेते हैं, लेट टेन अल्फा बाई 2 इक्वल टू टी, या पहले हम इसकी जगह टी लिखिए और फिर लिख दें कि वेयर टी इज इक्वल टू टेन अल्फा बाई 2। तो इसको यदि आप ध्यान से देखें तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 t - t 1, ओके, साइड में लिख सकते हैं कहीं पे भी उधर बाद में, और ये हो जाएगा 1 - t² अपॉन 1 प्लस t² माइनस 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t² 2t अपॉन 1 प्लस t², और ये हो जाएगा 1 - t² अपॉन 1 प्लस t². ऐसा लिख देने से मल्टीप्लीकेशन जो है वो बहुत आसानी से कर पाएंगे और कैलकुलेशन में भी आसान हो जाएगा हम। तो आगे सॉल्व करते हैं, मुझे i प्लस a लाना है बाद में, ये मैट्रिक्स जो है वो हमें दिया हुआ है, तो एक बार तो वो देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे हो करके हम i प्लस a के बराबर प्रूफ कर देंगे। तो ये यहाँ तक लिखते हैं, उसके बाद जो है वो ए मैट्रिक्स ये रहा 0 - tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। तो i प्लस a जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कितना लाना है मुझे i प्लस a के लिए, ये हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ से मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, ये फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × this is same 1 - t² अपॉन 1 प्लस t² ही होगा, प्लस टी इंटू दिस दैट इज प्लस 2t² अपॉन 1 प्लस t² आने वाला है यहाँ। फिर ये फर्स्ट रो इसके साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो आएगा माइनस 2t अपॉन 1 प्लस t² प्लस टी इंटू दिस दैट इज प्लस टी इंटू 1 - t² अपॉन 1 प्लस t². ध्यान से देखते हैं, यही आने वाला है, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस टी इंटू 1 - t² अपॉन 1 प्लस t² प्लस 1 × this दैट इज 2t / 1 + t²
अब इसी सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ जब होगा तो आएगा -t (-2t) दैट बिकम +2t² दैट इज 2t² अपॉन 1 + t² प्लस 1 - t² अपॉन 1 + t², ऐसा कुछ आने वाला है। ठीक है, हटा देता हूँ इसको नीचे वाले को, आई प्लस ए प्रूफ करना है मुझे। तो ये जो है वो हो जाएगा हमारा कितना, ये देखिए 1 - t² है, इसको 1 + t² यदि इसका एलसीएम लेते हैं तो ऊपर आएगा 1 - t² + 2t² और 1 - t² + 2t² इज 1 + t², ऐसा आ जाएगा। इधर भी यदि हम सॉल्व करेंगे इसको तो ऑब्वियस सी बात है इधर आ रहा है -2t + t - t³ / 1 + t². लिखिए तो एक बार पूरी तरीके से, यहां आएगा हमारे पास -t + t³ + 2t / 1 + t² और यहां आने वाला है फिर से जो है ये 1 + t² हो जाएगा क्योंकि 1 2t² - t² is t² / 1 + t², तो इधर तो 1 ही दिख रहा है मुझे, बाकी जगह एक बार देख लेते हैं क्या क्या आएगा। ये 1 आ जाएगा यहां पे, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है वो -2t + t (-t) - t - t³ / 1 + t² है, और नीचे देखेंगे तो आएगा हमारे पास t + t³ / 1 + t² और ये 1 आने वाला है। यहां से यदि हम आगे देखें तो ये आएगा 1, यहां आएगा -t (-t)² / 1 + t², यहां भी आने वाला है t (-t)² / 1 + t² और यहां आने वाला है 1। 1 + t² से 1 + t² कैंसल आउट हो रहा है यहां भी यहां भी, तो ये आपके पास आ जाने वाला है 1 - t t₁। ओके, ये हमें दिख रहा है साफ साफ। इसका मतलब जो इसका जो राइट इसके आगे जब हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि ये आ गया कितना 1 - tan α/2 tan α/2 and 1, क्योंकि t जो है वो हमने लेट करा था, t = tan α/2 एज्यूम करा था, तो हमने t की जगह tan α/2 लिख दिया। और इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 0 0 1 लिख लेता हूं, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स था हमारा 0 - tan α/2 and tan α/2 and 0, है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखिए तो 1 + 0 is 1, 0 - tan α/2 is -tan α/2, 0 + tan α/2 is tan α/2 and 1 + 0 is 1 and that must be equal to identity matrix plus A matrix that is equal that is left hand side of this matrix। तो ये हो जाता है हमारा प्रूफ। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है वो भी एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व करके जो है वो खुद से भी एक बार ट्राई करिए, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो नहीं पूछा जाता है लेकिन बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बार जो है वो पूछा गया है, सो इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम विच वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड दिस इज ऑल्सो द एनसीईआरटी प्रॉब्लम बट इट इज अ कॉल्ड लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, इसको कहते हैं मैट्रिक्स में लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड में क्या दे रखा होता है कि आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को यूज करके आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यू हैव टू सॉल्व। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो यदि एग्जाम में जहां पे पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो उसमें आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के थ्रू यदि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो एक्चुअली में हमें मैट्रिक्स एज्यूम करना होता है उस तरीके से रो वाइज एंड कॉलम वाइज एज्यूम करना होता है जिससे कि हम इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं। क्वेश्चन इज ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमॉन्ग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, पहला क्वेश्चन है यदि ₹1,800 का टोटल इंटरेस्ट उसको चाहिए तो उसको कितना कितना इन्वेस्ट करना चाहिए दोनों ट्रस्ट फंड में। तो ऑब्वियसली यदि हम नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह सोचें तो 7% ज्यादा
रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम तो 30,000 रुपीज को पूरा का पूरा ही जो है वो 7% इंटरेस्ट रेट वाले फंड में डाल देंगे। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि दो ट्रस्ट दो बॉन्ड है उन दोनों में ही इन्वेस्टमेंट करना है, भले ही कम या ज्यादा आप करें, ठीक है ना। उन दोनों का जो टोटल इंटरेस्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1800 रुपीज आना चाहिए। तो कितना कितना हम दोनों में इन्वेस्ट करेंगे तो इतने का टोटल इंटरेस्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या कर लेना चाहिए, सॉल्यूशन करने से पहले लेट करना चाहिए कि लेट एक्स रुपीज इज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड। और फर्स्ट बॉन्ड में जो है वो हम मान के चल रहे हैं कि ये वाला, इसको फर्स्ट बॉन्ड कह रहे हैं, लिखा भी हुआ क्वेश्चन में फर्स्ट बॉन्ड है 5% इंटरेस्ट रेट में एंड 30,000 माइनस एक्स रुपीज इज इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड। सेकेंड बॉन्ड में जो है वो 7% का इंटरेस्ट रेट है। सो लेट अगेन लेट इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स एज ए, लेट ए इज इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स वेयर ए मैट्रिक्स को हम रो वाइज ले लेते हैं, जिसमें एक्स लिख लेते हैं और यहां पे 30,000 माइनस एक्स, ये फर्स्ट बॉन्ड में जो इन्वेस्ट किया है और ये सेकेंड बॉन्ड में जो इन्वेस्ट किया है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसको रो वाइज लेने का जो मतलब बनता है वो आपको पहले से दिमाग में सोचना होगा कि मुझे रो वाइज लेना है या कॉलम वाइज लेना है, क्योंकि ये जो मैंने सोचा है कि मैं इसको यदि रो वाइज लूंगा और इंटरेस्ट रेट वाला जो जिसके साथ इसको, क्योंकि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, यदि मुझे 5% एक्स का 5% निकालना है, दैट इज एक्स इंटू 5/100 निकालूंगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। तो 5% एक्स का 5% मुझे फाइंड आउट करना है, तो एक्स इंटू 5/100 करना है। और यदि मुझे टोटल इंटरेस्ट निकालना है तो मुझे ऐसे करना होगा, एक्स इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100, ये 1800 के बराबर करना है। तो दूसरा जो मैट्रिक्स इंटरेस्ट रेट मैट्रिक्स, यदि हम कहें कि बी मैट्रिक्स है, तो वो मुझे कॉलम वाइज लेना होगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन रो कॉलम वाइज होता है, ठीक। तो एक बार को ये हटा देते हैं यहां से, और दूसरा जो है वो 1800 का जो है वो टोटल इंटरेस्ट मैट्रिक्स ले लूंगा मैं, टोटल जो एनुअल इंटरेस्ट आना चाहिए। सो लेट बी इज द मैट्रिक्स, बी इज द इंटरेस्ट रेट मैट्रिक्स, और उसको हम क्या लेंगे, कॉलम वाइज लेंगे। और कॉलम वाइज में भी ध्यान रखेंगे कि 5/100 लिखेंगे और 7/100 लिखेंगे, जो कि 5% का मतलब होता है 5 out of 100, है ना। तो 5/100 या 0.05 भी लिख सकते हो, 0.05, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं 5/100 लिखा हूं, 7/100 लिखा हूं, इस तरीके से कॉलम मैट्रिक्स जो है वो हम कंसीडर कर लेंगे। लेट सी इज द मैट्रिक्स, लेट सी इज द मैट्रिक्स, इसका इस क्वेश्चन में मैं ए वाला प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर रहा हूं, बी जो है वो आपके लिए छोड़ देता हूं, बी आप खुद से करिएगा, ठीक है ना, ये वाला प्रॉब्लम। सो लेट सी इज द मैट्रिक्स विच डिनोट, या लेट सी इज द टोटल एनुअल इंटरेस्ट मैट्रिक्स, और इस केस में सी जो मैट्रिक्स है वो 1/1 ऑर्डर करेंगे, क्योंकि इसमें तो एक ही एलिमेंट हमको लिखना है 1800, ठीक है। सो एक और क्या हमें एक्स फाइंड आउट करना है, तो एक्स कैसे निकालेंगे हम, बाय मैट्रिक्स इक्वेशन, कंसीडर दिस मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन दैट इज ए इंटू बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी, ये वाला मैट्रिक्स इक्वेशन हम ले लेते हैं। और ए मैट्रिक्स हमने क्या लिखा हुआ है, रो वाइज एक्स 30,000 माइनस एक्स, एंड बी मैट्रिक्स हमने क्या लिखा है, 5/100 7/100 कॉलम वाइज, और ये कितना आना चाहिए, 1800 के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम यहां से बाय यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें तो डायरेक्टली इसको कैसे, एक रो है एक कॉलम है, तो ये एक ही एलिमेंट आ जाएगा, और वो कितना आएगा, एक्स इंटू 5/100, जैसे होता है इसको इसके साथ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं
दोनों एलिमेंट को और फिर ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 और ये कितना आ जाना चाहिए 1800 वाले मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाने चाहिए। इसका मतलब मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हों। हमने पढ़ा था मैट्रिक्स इक्वेशन के अंदर, मैट्रिक्स में है ना, दो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं कब, तो इसका भी ऑर्डर 1/1 आ गया और ये भी 1/1 है तो कंपेरेबल तो है ही, और साथ ही साथ इसको इसके इक्वेट कर देंगे तो अब हम इसको इक्वेशन से बाहर लिखते हुए एक्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 5x/100 प्लस 7x/30,000 माइनस x/100 इक्वल टू 1800 एंड दैट इज 5x प्लस 7x/321 210,000 आएगा यहां से, माइनस 7x इज इक्वल टू 1800 × 100। 100 इसमें पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों में एलसीएम लेंगे तो उतना ही आएगा, तो 5x माइनस 7x इज माइनस 2x एंड दैट इज 1,80,000 माइनस 2,10,000, दैट मीन्स माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 30,000। माइनस करिए इसमें से इसको, तो 30,000 ज्यादा है 2,10,000 से, तो यहाँ पे इधर आएगा माइनस माइनस कटेगा, यहां से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 15,000। x कितना आ गया 15,000। सो इसका मतलब हो गया कि x यदि 15,000 है तो 30,000 माइनस x भी कितना होगा, 30,000 माइनस 15,000 दैट इज अगेन 15,000। तो इसका मतलब ये हो गया कि द ट्रस्ट मस्ट इन्वेस्ट 15,000 इन द फर्स्ट बॉन्ड एंड ऑल्सो 15,000 इन द सेकेंड बॉन्ड टू गेट एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 1800 रुपीज। सो वी विल राइट द कंक्लूजन ऑफ दिस प्रॉब्लम दैट द ट्रस्ट must invest 15,000 in first bond and also 15,000 that is 30,000 minus 15,000 in second bond to get एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 1800 रुपीज। यहाँ पे इन्वेस्ट रुपीज 15,000 ऐसे करके लिख दीजिए, वो अलग बात है, 15,000 रुपीज की बात हो रही है यहाँ। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी जो है वो हो जाता है हमारा सॉल्व। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम मोर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। द टाइप ऑफ द मैट्रिसेस इट इज कॉल्ड आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। यदि कोई मैट्रिक्स है ए जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका हम स्क्वायर करें लाइक ए इंटू ए निकालें और वो ए के ही बराबर आ जाए, तो उस तरीके के जो मैट्रिक्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। एंड फॉर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स वी कैन ऑल्सो से दैट ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें एग्जांपल जैसे मैं ले रहा हूँ एक बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का 1000 है ना। ये ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे होता है ए इंटू ए, और एक बार करते हैं इसको 1000 मैट्रिक्स को 1000 के साथ यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 1×1 प्लस 0 तो 1 आएगा, यहाँ 1×0 प्लस 0 तो ये 0 आएगा, फिर तो इधर तो 0 ही आने वाला है क्योंकि एलिमेंट ही 0 है, तो ये ए के ही बराबर आ गया, ठीक है ना, ए मैट्रिक्स के ही बराबर आ गया। तो
ए स्क्वायर यदि एक मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा तो हम इस मैट्रिक्स ए को क्या कहेंगे, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। और यदि ऐसा होता है किसी भी मैट्रिक्स में तो इसका मतलब ए क्यूब भी ए के बराबर होगा, ए टू द पावर 4 भी ए के बराबर होगा, ए टू द पावर 5 भी ए के बराबर होगा, एंड ए टू द पावर एनी नंबर नेचुरल नंबर इज इक्वल टू ए। तो क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ए स्क्वायर ए आया तो ए क्यूब जो होता है वो कितना होता है, ए स्क्वायर इन टू ए, और ए स्क्वायर तो ए के बराबर है ही, और तो ए स्क्वायर की जगह ए लिख दिया और फिर ए इन टू ए फिर ए स्क्वायर, और इसलिए फिर ए स्क्वायर तो ए है ही, तो हमें क्या पता चला ए क्यूब भी ए होगा। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ ए टू दी पावर एन इक्वल टू ए हो जाता है फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू। यदि तो उस तरीके के मैट्रिक्स को हम आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स किसको कहेंगे, हम स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स टू या ऑर्डर टू ऑफ इंडेक्स पी, ऐसे लिखे सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स पी इफ ए टू द पावर पी इज इक्वल टू जीरो वेयर पी इज द लिस्ट पॉजिटिव नंबर। इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है कि ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जिसमें मान लीजिए आपने उसका होल स्क्वायर किया और वो जीरो आ गया, मतलब जीरो मैट्रिक्स आ गया, तो उस मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स टू कहेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है उसका ए स्क्वायर किया वो तो जीरो नहीं आया, लेकिन ए टू दी पावर थ्री करने से वो जीरो आ गया, है ना, तो वो थ्री ऑर्डर का निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। वैसे आप ए क्यूब यदि किसी मैट्रिक्स का जीरो है तो ए टू दी पावर 4, ए टू दी पावर 5 ये सब भी जीरो होगा, लेकिन वो 4, 5 उसका इंडेक्स नहीं कहलाएगा क्योंकि सबसे लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू तो 3 थी ना जिसके लिए वो जीरो हो गया था। तो इस तरीके का बात है, तो आपको इसको समझना होगा कि पी इंडेक्स का निलपोटेंट मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब पी जो है वो सबसे छोटी लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू हो जिसके लिए जीरो हुआ हो। वैसे तो यदि पी इंडेक्स पे वो जीरो हुआ है तो ए टू दी पावर पी प्लस 1, ए टू दी पावर पी प्लस 3 और कोई भी नंबर हम डाल दें वहां पे पी प्लस करते हुए तो वो जीरो होगा ही होगा, क्योंकि एक बार यदि पावर मान लीजिए ए टू दी पावर 5 जीरो आया किसी मैट्रिक्स का तो ए टू दी पावर 6, 7 कोई भी पावर सब जीरो हो जाएगा क्योंकि ए टू दी पावर 5 ही जीरो है। तो इसलिए यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ए यदि हम लेंगे मैट्रिक्स ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, एक एग्जांपल ले रहा हूँ ये वाला, तो ये जो मैट्रिक्स है इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स टू। एग्जाम्पल आपको याद नहीं रखना है बट यहाँ पे मैं बस एक समझाने के लिए ही एग्जाम्पल लिया हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स ए है, इसका स्क्वायर करते हैं, दैट मीन्स हम ए इंटू ए कर रहे हैं, ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब ए इंटू ए कर रहे हैं ना, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, और जब ये मैं करने वाला हूँ तो ए बी इंटू ए बी, दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ जीरो आएगा, ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब ये भी जीरो आएगा, माइनस ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब बी तो ये भी जीरो आएगा, और ये आएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ये भी जीरो आ गया, तो ये जीरो मैट्रिक्स आ गया, है ना। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है वो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, कितने इंडेक्स का, टू इंडेक्स का, क्योंकि सबसे लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू जिसके लिए इसका पावर करने से सबसे लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है, टू है, जो कि सबसे छोटी वैल्यू है। वैसे तो मैं अब ए क्यूब भी निकालूंगा वो भी जीरो ही आएगा क्योंकि ए क्यूब होता है ए स्क्वायर इंटू ए, एंड ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, और ए जो है वो कोई भी मैट्रिक्स हो ये जीरो ही होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा मतलब, तो उससे अब आगे तो सभी होंगे जीरो, लेकिन सबसे छोटा वैल्यू के लिए जिसके लिए होता है उतने इंडेक्स का निलपोटेंट मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन है, याद रखना है। नेक्स्ट देख, इनवोलेटरी मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इनवोलेटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
यदि किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने से वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उस तरीके के उस वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसको हम इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स कहते हैं। ये तीनों टाइप जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है, ये तीनों ही जो टाइप है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप है, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन में ये वर्ड यूज किए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आइडेंपोटेंट का मतलब मैंने आपको बताया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाए तो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होगा। ए टू दी पावर पी नल मैट्रिक्स यदि हो जाए तो वो मैट्रिक्स में जो पी है वो यदि सबसे लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए यदि जीरो हुआ है तो वो मैट्रिक्स ए जो है उसको हम नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर पी कहेंगे। और इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स सिंपल ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए, क्योंकि ये बाकी के लिए तो हो भी नहीं सकता क्योंकि ए स्क्वायर ए टू दी पावर थ्री ये सब तभी निकाला जा सकता है लाइक ए टू दी पावर एन इज ओनली डिफाइंड इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ए मैट्रिक्स यदि मैं ले लूँ 0 1 1 0 है ना, तो ये जो मैट्रिक्स ए है इसका होल स्क्वायर करके देखते हैं, ए इंटू ए करते हैं, मतलब 0 1 1 0 को हम 0 1 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर 0 इंटू 1 0 प्लस 0 यहाँ 0 आएगा, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 दैट इज 0, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 दैट इज 1। तो ये क्या आ गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है, हियर ए मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, एक और जो टाइप है उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स, है ना। तो वो भी आपको मैं बता देता हूं। फोर्थ इज पीरियोडिक मैट्रिक्स। इसमें होता क्या है कि कोई भी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए टू दी पावर के प्लस वन ए के ही बराबर आ जाए, ठीक है, तो हम उस मैट्रिक्स को पीरियोडिक मैट्रिक्स कहेंगे विथ के, वेयर के इज अ लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू। सो स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ ए टू दी पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए, वेयर के इज अ लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड पीरियोडिक विथ के। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक मैट्रिक्स ए है जो कि मान लीजिए एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि मैंने निकाला ए टू दी पावर फाइव, मतलब ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू दी पावर फोर ये सब ए के बराबर नहीं था, लेकिन ए टू दी पावर फाइव क्या आ गया, ए के बराबर आ गया, इफ देन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक विथ फोर, ये बात होती है, ठीक है। कि आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स से मेरे से पीरियड पूछा जाए, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, ए स्क्वायर ए के बराबर हो जाता है। जैसे फॉर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर जो है वो ए के बराबर हो जाता है, तो पीरियड कितना होगा, वन होगा, वन से पीरियोडिक है, मतलब हर ए स्क्वायर ए क्यूब ये सब जो है वो ए के बराबर होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ए टू दी पावर फाइव ए है तो इसका पीरियड फोर क्यों मैंने बताया, क्योंकि यदि आप ए टू दी पावर सिक्स निकालोगे ना तो उसको आप ए टू दी पावर फाइव इंटू ए बोलोगे, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर तो ए के बराबर नहीं है। लेकिन यदि आप ए टू दी पावर नाइन निकालोगे तो वहां पे क्या होगा, ए टू दी पावर फाइव इंटू ए टू दी पावर फोर लिखोगे आप उसको, है ना,
दी पावर फाइव ए के बराबर है तो ए इंटू ए टू दी पावर फोर लिखोगे, दैट इज ए टू दी पावर फाइव, और ए टू दी पावर फाइव ए के ही बराबर है। तो फिर ए को पावर नाइन कितना आ गया, ए के बराबर आ गया। तो हर चार चार नंबर के बाद जो है पावर में वो उसकी वैल्यू सेम आने लग जाती है। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम पीरियोडिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये कंडीशन जो है वो हम याद रखेंगे, ठीक है।